सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये आपके लिए, आपके लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दोस्तों कोई बात नहीं करना चाहता, इसे कोई सीरियसली नहीं लेना चाहता, या इन बात को समझने में लोग हेजिटेशन करते हैं, हिचकिचाते हैं, इस पर बात करने में शर्माते हैं। दैट इज नॉट, क्योंकि ये हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है। हमारे रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है ये हमारे ही बॉडी का पार्ट है। चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, अपने बॉडी की क्लीन लेस रखना बहुत जरूरी है और उसी बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांग इज कॉल्ड एज हेल्थ। हर कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, सोशली सामाजिक रूप से स्ट्रांग रहना चाहता है। हर तरह से व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, स्ट्रांग रहना चाहता है। ओके, इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक सोशल कस्टम, ट्रेडिशंस, इलिटरेसी, शेनेस एक्सेट्रा। हमारे भारत देश में क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी बातें देखी गई है कि लोगों में जागरूकता कम है। ओके, किसके लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जागरूकता कम है। और इस कम जागरूकता का कारण क्या है? अलग अलग रीजन है, जैसे कि कस्टम्स, ओके, ट्रेडिशन मतलब समाज क्या कहेगा, ओके, ट्रेडिशन मतलब हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, शेनेस मतलब शर्मिंदगी। ये सारे रीजन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इग्नोर करना, ये सारे रीजन है एक्सेट्रा। स्पेशली देयर सीम्स टू बी इनडिफरेंस टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन। और स्पेशली अगर वुमन की बात करें तो वुमन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ अपना ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टाइम टू टाइम हमेशा क्लीन रखना, ये उस बात के तरफ वुमन्स ध्यान नहीं देती है। या इसके पीछे रीजन है कस्टम, ट्रेडिशन, इलिटरेसी और शेनेस का। ओके, और ऐसी प्रॉब्लम ज्यादातर वुमन्स में आती है, मैन में भी आती है, वुमन में ज्यादा आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आजकल की जो लाइफ है, इस लाइफ में मैन और वुमन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ओके, लेडीजों में 6 दिन का जो टाइम होता है पीरियड्स का, तो उसमें क्या होता है कि वो 1 या 2 दिन घर पे रहेगी वुमन। अगर वो जॉब वाले हैं तो उन्हें तो अपनी जॉब करने बाहर जाना ही होगा, तो उन्हें बाहर निकलना होता है, दिन दिन भर बाहर रहना होता है। ऐसे समय में उनके बॉडी के जो जेनेटियल पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को टाइम टू टाइम क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये उसे मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो बी अवेयर, अगर आपने अभी तक अवेयरनेस नहीं लिया होगा, या फिर लिया है, या फिर आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसे है, तो प्लीज़ उन्हें अवेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रॉब्लम से जो जेनेटिकली प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, जिसके कारण हमने इसके पहले जो प्रॉब्लम्स देखी थी ना, जो जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा था बेबीज को प्लान करने के लिए, वो सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। सो ऑक्यूरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ वुमन। वुमन की पूरी ओवरऑल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल साइकिल
ये रिलेटेड है, इससे संबंधित है। नाउ डेज वुमन आर वर्किंग एट पार विथ मैन, मतलब इन आदमी से कंधे से कंधा मिलाकर वुमन काम कर रही है। डू ड्यू टू दिस दे हैव स्टे आउटडोर फॉर होल डे, इसलिए उन्हें दिन भर बाहर रहना होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग ऑक्यूर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग उनके वेजिना से होते रहती है, कंटिन्यू जेनिटियल पार्ट से ब्लीडिंग होते रहती है। ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन जेनिटियल्स नीड टू बी मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम, इसे समय टू समय पर क्लीन करते रहना होता है क्योंकि उसमें से ब्लीडिंग होते रहती है। अदरवाइज प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी अराइज, मतलब कि जो जेनिटियल्स है ये हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मैन टू, ऐसी जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है वो मैन में भी होती है। इट इज इसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटियल्स, तो चाहे मैन हो या वुमन हो, दोनों को अपने बॉडी के जेनिटियल्स पार्ट जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसे टाइम टू टाइम क्लीन रखना, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिए, शर्माइए नहीं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी की पार्ट है, कुदरत की देन है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, अपनी साफ सफाई, अपना क्लीनलीनेस रखना ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमें अगर आगे जाके हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो खुद की हाइजीनेस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि इन सब बातों पर लोग बात करना नहीं चाहते, इसलिए आपकी स्टडी में है और मैंने इस लेसन के सभी पार्ट्स को डिटेल में कवर किया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह पाए। सो स्टूडेंट्स, एक और बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे मतलब आजकल जो टीवी जो एड देखते हो वहाँ पर जो पैड्स होते हैं जो लेडीज यूज करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बारे में जो एड्स दिए जाते हैं, ये एड इसलिए दी जाती है ताकि आप अवेयर रहे। कुछ लोग महावारी के समय कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही बुरा है, जिसके कारण उनके जेनिटियल पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ओके, तो ये केमिकली होते हैं और वो आपके लिए अच्छे होते हैं, तो प्लीज खुद का ध्यान रखिए और क्लीननेस रखिए। नाउ लेट्स मूव, अब देखिए इनसे किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, अगर जेनिटियल प्रॉब्लम्स अगर हो रहे तो क्या सिम्टम्स होंगे। अमॉन्ग द वेरियस सेक्सुअल डिसीज, सेफिल्स एंड गोनोरिया ऑक्यूर ऑन लार्ज स्केल, मतलब सेक्सुअल डिसीज में सेफिल्स और गोनोरिया होता है। बोथ ऑफ दिस डिसीज आर कॉजेज बाय बैक्टीरिया, और ये दोनों डिसीज बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऑक्यूरेंस ऑफ चांस पैचेस, मतलब बॉडी है इंसान की, ये शरीर है। ओके, यहाँ कहाँ बनाऊँ, कहाँ, ये है, ये शरीर है इंसान का, अच्छे से बना लो, बन जाए ना भाई। हाँ, तो क्या होता है, शरीर में पैचेस आएंगे, ऐसे दाने 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 दाने, बॉडी बॉडी में, बॉडी में ऐसे बहुत सारे दाने आएंगे, पैचेस आते हैं। ओके, जिसे कहते हैं चांस। एज वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग जेनेटियल रैशेस होना, बॉडी में रैशेस होना या फीवर आना, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स मतलब जोड़ों में दर्द होना, एपोलिसिया मतलब बालों का गिरना एक्सेट्रा, ये सब सेक्सुअल डिसीज के अंदर के सिम्टम्स है। आर द सिम्टम्स ऑफ सेफिल्स, ओके सेफिल्स के ये सिम्टम्स है जो हमने पढ़ा है, क्या रैशेस, ओके फीवर्स, इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स जोड़ों में दर्द और बालों का झड़ना, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब जब यूरिन करते हैं यूरिन के समय यूरिन की जगह पर जलन होना, ओजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वजाइना, वजाइना और पेनिस से पस निकलना। ओके, इंफ्लेमेशन एंड यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक में तकलीफ होना, एनस में प्रॉब्लम होना, थ्रॉट में प्रॉब्लम होना, आंखों में तकलीफ होना, ये सब सिम्टम्स गोनोरिया के हैं और ये सारे हमारे उस गलती के कारण होते हैं जिसमें हम अपने बॉडी के जेनिटल पार्ट्स को क्लीन नहीं रखते। ओके, तो ये था टॉपिक, अब आइए अदर टॉपिक है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आप देख सकते हो कि किस तरह इंडिया का पॉपुलेशन एक्सप्लोज हुआ है, मतलब वो कैसा होता है ना, एकदम से बम फटा और पूरा फैल गया, बस
वैसा ही हुआ है इंडिया में भाई। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा 1921 में चलते हैं, 1921 बोले या 1920 बोले, एक ही बात है, एक ही साल का फर्क है। तो 1921 और आज चल रहा है 2020, 2020 का अक्टूबर चल रहा है, मतलब 2021 आने वाला है, मतलब ये हो गए कितने 100 साल, 1920 से लेकर 21 से लेकर 1920 तक ये 100 साल हो गए। अब यहाँ पर देखिए 1921 में कितनी जनसंख्या थी, 25 करोड़ 13 लाख 21,213, मतलब 25 करोड़ लोग थे। कब 1921 में 25 करोड़ लोग भारत में हुआ करते थे, आज 2020 में 130 करोड़ लोग हैं, कितने 130 करोड़ लोग हैं। अब बताइए ये 121 करोड़ कब थे भाई, 2011 में थे, अभी तो जनगणना हुई भी नहीं है, इस साल होने वाली थी, कोरोना के कारण नहीं हुई, ठीक है। अब 130 करोड़ लोग हैं, अब मान लीजिए देखिए 100 साल में कितना डिफरेंस बढ़ा है, 105 करोड़ का, मतलब 100 साल में 100 करोड़ बढ़ गए, मतलब हर साल 100 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लोग मनमानी बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या होगा इससे, बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। इस प्रॉब्लम से आज देखोगे ना लोगों, हमारा देश विकसित नहीं है पूरी तरह से, हमारे देश में जॉब नहीं है, क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोज हुआ है, इसी के कारण हो रहा है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कम समय में ज्यादा लोग पैदा हो जाना, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यू मे हैव रियलाइज फॉर्म द टेबल गिवन बिसाइड अबाउट फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, वी हैव फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इसलिए, डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, मतलब जो हमारे देश की जो कैपिटल इनकम है वो डिक्रीज हो रही है। पहले पहले के जमाने में 3 रुपए मतलब 1 डॉलर हुआ करता था, बहुत पहले, आज ये डिफरेंस पता है 75 रुपए का 1 डॉलर हो गया है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, देश कर्जे में जा रहा है, इसलिए ये सब है। एक समय ऐसा था कि रुपए की वैल्यू डॉलर से ऊपर थी, अब रुपए की वैल्यू डॉलर से 75 टाइम नीचे आ चुकी है। ओके, इंक्रीजिंग लोन, लोग लोन ले रहे हैं, इसके कारण लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, हम जंगल काट काट के घर बना रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन कंट्रोल, और इन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है पॉपुलेशन कंट्रोल, दैट इज फैमिली प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर दिस। इसलिए सरकार ने एक स्लोगन बनाया था, हम दो हमारे दो, मेरे तरफ से इससे ज्यादा मत होने दो। ओके, ध्यान में रखिए, हम दो हमारे दो इससे ज्यादा मत होने दो। ओके, यही स्लोगन हमारे भारत देश को बचा सकता है। ओके, सबसे अच्छा है हम दो हमारा एक, वैसे सरकार ने परमिशन दी है हम दो हमारे दो। ओके, और ये हम दो हमारे दो ये स्ट्रिक्टली रूल फॉलो है। अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ओके, ये फादर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनने एक बच्चा पैदा कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, इनके 3 बच्चे हो गए, तो इनकी सरकारी नौकरी गई। यस, इट्स अ रूल, ध्यान में रखिए। ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, इसलिए हम दो हमारे दो, यही बात ध्यान में रखो। सो गेट इंफॉर्मेशन, विजिट अ पब्लिक हेल्थ सेंटर नियर बाय योर प्लेस एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरव्यू ऑफ हेल्थ ऑफिसर अबाउट मैन मेनिंग एंड वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अलग अलग मेथड क्या है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके लिए पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में आपको विजिट करना होगा। तो वैसे तो आप विजिट कर लीजिएगा, पर इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं।
हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है अलग अलग। यहाँ पे हमने क्या देखना था, विजिट अ पब्लिक हेल्थ सेंटर एंड प्लेस एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंड इंटरव्यू हेल्थ ऑफिसर एंड वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये फैमिली प्लानिंग की अलग अलग मेथड है। ओके इसके लिए अलग अलग चीज़ों का यूज कर सकते हैं। बैरियल मेथड दैट इज कॉन्डोम एंड डायफ्राग्म, केमिकल मेथड दैट इज बर्थ कंट्रोल और पिल्स, मतलब अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी हो गई तो पिल लेकर उसे स्टॉप कर देना। उसके बाद है वेस्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेस्टोमी मतलब मैन में जो नसबंदी होती है उसमें क्या किया जाता है कि ये जो वैस डिफरेंस है जिसमें से स्पर्म आते हैं इसे कट कर दिया जाता है, तो स्पर्म आएंगे ही नहीं। ओके और वैस ये जो है ट्यूबेक्टोमी ये लेडीज में होती है, इसमें ये क्या करते हैं कि जो ओविडक्ट है ओके ओविडक्ट को यहाँ से ये कट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग का ट्रीटमेंट करना, दैट इज नसबंदी करना हिंदी में। ओके तो इस तरह से ये है। तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो और ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट ये टॉपिक, ये वीडियो, ये लेसन आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में या इन पूरे लेसन में आपको 100% इंफॉर्मेशन देने की। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।